हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा वीडियो इस सुंदर से पत्तों वाले पौधे के ऊपर है। फ्रेंड, आप देख सकती हो कितना सुंदर है। उसके पत्ते इस तरीके से गोल गोल से आते हैं। इसको पैनी वॉट कहते हैं फ्रेंड, इसको डॉलर प्लांट भी कहते हैं। और इसका नाम डॉलर प्लांट इसलिए रखा गया होगा शायद कि ये सिक्के की शेप का है, गोल गोल सा है, इसलिए इसको डॉलर प्लांट कहते हैं। और कहीं ना कहीं इसको चाइनीज़ मनी प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे में हम एक गलती करते हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से ये पौधा एकदम से ख़राब हो जाता है। इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होना या पानी बहुत ज़्यादा कम होना, ये दोनों प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा डालते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ये पौधा ख़राब हो जाता है। वैसे तो ये पौधा बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है फ्रेंड, ये बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा होता है। और ये एक इंडोर प्लांट है तो ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है, यानी हर एक बिगनर के लिए बहुत आसान है इसको ग्रो करना। लेकिन हम इसमें कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा पौधा इस तरीके से ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड, इस दो पॉट में मेरे ये पैनी वॉट के प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा यानी कि घना सा नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा भूसी है, कितना ज़्यादा घना है। तो इसमें सिर्फ एक गलती हम करते हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से हमारा पौधा इस तरीके से हो जाता है। पहली चीज़ है, इसमें हम इसको ऐसी जगह रख देते हैं, अंधेरी वाली जगह पे, जहाँ पे इसकी ग्रोथ एकदम ख़राब हो जाती है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए, जहाँ पर दिन भर छाया सी रहती है और बहुत ज़्यादा उजाला रहता है, वैसी जगह में आप इसको रख लेंगे, बहुत अच्छे से चलेगा। और दूसरी चीज़ है, इसमें पानी अगर कम होता है फ्रेंड तो इस तरीके से हो जाता है। इसमें दो तीन बार अंडर वाटरिंग हो गया था, एकदम से पत्ते नीचे की ओर आ गए थे, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला तो ये पत्ते इस तरीके से पीले पीले हो जाते हैं। सिर्फ ये दो गलती की वजह से हमारा पौधा एकदम से ख़राब हो जाता है। थोड़ी बहुत इसमें मिली बग की अटैक होती है, मिली बग का अगर अटैक होता भी है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे पत्ते में थोड़ा बहुत मिलीबग का अटैक है ना, वाइट कलर का इस पत्ते में लग रहा है। तो हम लोग इस तरीके से अगर इसको यहीं से पत्तों को नीचे से अगर तोड़ के निकाल भी देते हैं, फेंक देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको पत्तों को ऊपर से क्लीन कर दें आप, उसके बाद इसमें पानी डालते रहें, और बहुत ज़्यादा उजाले वाली जगह में आप इसको रखें जहाँ दिन भर की अच्छी रोशनी आती है, तो फिर ये बहुत अच्छे से फिर से ऐसे ही बन जाएगा फ्रेंड, यानी कि ऐसा ग्रो करने लगेगा। क्योंकि इसके रूट्स नीचे की ओर बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड, जिसकी वजह से ये नीचे से बहुत ज़्यादा पत्ते निकालता है। तो इनको बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, सिर्फ इस दो बातों का ध्यान हम रखते हैं, यानी कि इसमें अंडर वाटरिंग होने देना नहीं है और इसको बहुत अच्छी उजाले वाली जगह में रखना है। इस दो काम को हम करते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसको 6 महीने में एक बार भी एक मुट्ठी खाद दे देते हो तो ये काफ़ी रहता है इसकी ग्रोथ के लिए। और इसमें दूसरे कोई कीड़ों का अटैक नहीं होता, ये पौधा बहुत आसानी से मल्टीप्लाई होता है। एक पत्ते से भी हम इसकी बहुत अच्छे से ढेरों पौधे बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगी फ्रेंड, ये इसकी इस तरीके से रूट आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एक पत्ता आया हुआ है, यहाँ पे एक रूट है, इससे ही अगर हम लगाएंगे तो हमारे ढेरों पौधे ग्रो हो सकते हैं। तो बहुत आसानी इसको ग्रो करना, अगर आप छोटा सा भी एक प्लांट लेके आते हो या फिर आप छोटा सा यानी कि थोड़ा सा कटिंग भी कहीं से लाते हो तो आपके इस तरीके से ढेरों पौधे बन जाएंगे। सिर्फ इसकी दो बातों का ही ध्यान रखना फ्रेंड, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।